नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस रिपोर्टर पे। मैं हूँ आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एक्सप्रेस रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे बिलासपुर से। रसीद लेकर गरीबों से मकान देने के मामले में जो घोटाला हुआ है, उस मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति ने जांच शुरू कर दी है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने और पूर्व पार्षद ने मिलकर के गरीबों से 60 से 70 हजार रुपए की वसूली करके फर्जी तरीके से आवास का आवंटन कर दिया। इस मामले में खुलासा तब हुआ जब अरपा नदी से जो विस्थापित किए गए थे उनको वहां पर शिफ्ट किया और उनको जो पहले से बसे हुए थे उनको निकाला गया। इस दौरान मामले में अब तूल पकड़ने के बाद निगम आयुक्त ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। कमेटी ने फौरी तौर पर पाया कि पूर्व बीजेपी पार्षद जो जिन्होंने सुसाइड कर लिया था उनके वही नाम इस मामले में आया है। इसके साथ ही जो निगम के कई बाबू हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी नाम आया, लेकिन अभी इस मामले में जांच पूरी नहीं हुई। लेकिन साफ है कि निगम के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के कारण गरीबों से 60-70 हजार रुपया अवैध तरीके से वसूल लिए गए। नगर निगम के पूर्व पार्षद और वहां के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर गरीबों के से रसीद काट दी और उनको मकान दे दिया, फिर मकान से भगा दिया। इस मामले में जांच शुरू हो गई। बिलासपुर सेक्टर रिपोर्टर शैलेंद्र भट्ट। मझगवा थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में एक सप्ताह के अंदर 4 बच्चों की जल समाधि से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि वे अपने घर से निकलने वाले बच्चों पर नजर रखें। बरसात का सीजन आते ही मझगवा के ग्रामीण इलाके में बच्चों की पानी में डूबकर मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन पहले खोखला गांव के एक तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी और एक सप्ताह के अंदर ही दूसरी घटना घटित हो गई। कैलाशपुर पंचायत के पनघटी गांव के एक तालाब में 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। बच्चों की पानी में डूबकर लगातार हो रही मौतों के मामले को प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और ग्रामीणों को अपने बच्चों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। मझगवा तहसीलदार नितिन झोड़ ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों को नदी, तालाब और पेड़ों के आसपास अकेले न भेजें, जिससे कि बारिश के सीजन में बच्चों को दैवीय आपदाओं और दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। मझगवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब ग्वालियर में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में रविवार और शनिवार को पूरी तरह लॉकडाउन करने के साथ शहर के बाजारों को सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 बजे तक खोले जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं शहर के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और बेहद जरूरी काम वाले लोगों को ही आने जाने दिया जाएगा। माल वाहक वाहनों पर कोई रोक नहीं रहेगी। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की स्थिति में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक दूध, ब्रेड, फल की व्यवस्था रहेगी। वहीं हाट ठेलों के माध्यम से इन 4 घंटों में सब्जी फल भी बिक्री किया जा सकेगा। इसके अलावा लॉकडाउन व अन्य दिनों में सरकारी अस्पतालों के मेडिकल खुले रहेंगे और सभी चिकित्सीय सुविधाएं जारी रहेंगी। प्रशासन ने इसको लेकर सभी तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा जिले के अंदर आने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और पूछताछ के बाद ही उसको शहर में आने दिया जा रहा है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मध्य प्रदेश में चुनावी जंग तेज होने जा रही है। बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं। चुनावी मजबूती के लिए बीजेपी ने अधिकांश कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया है। अब ये मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जमीन मजबूत करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना चुनावी दौरा तय कर लिया है और वहीं अपने बूथ को कांग्रेस मजबूत करने जा रही है। कांग्रेस 24 विधानसभा सीटों के हर बूथ पर अपनी टीम तैनात करेगी। साफ जाहिर है मध्य प्रदेश में उपचुनाव जहां कांग्रेस के लिए डू और डाई का सवाल है, वहीं बीजेपी के लिए सत्ता बरकरार रखने का। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद पहुंचे आज सरगुजा हाउस। सरगुजा महाराज की बड़ी बहन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी राणा का देहांत 26/6/2020 सोमवार को हो गया। सिंधिया का कहना है कि कोरोना के चलते पहुंच नहीं पाया। सरगुजा महाराज से पारिवारिक संबंध, पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे संबंध चले आ रहे हैं। इस परिवार को शक्ति और मृत आत्मा को शांति मिले, इसीलिए श्रद्धांजलि देने पहुंचा हूं। चंबल और ग्वालियर में धोखा देने वालों को सजा जरूर मिलती है और सजा मिलेगी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को। सिंधिया ने सरगुजा हाउस पहुंचकर मोहिनी राणा को दिग्विजय श्रद्धांजलि। इस अवसर पर उनका कहना है कि राजनीतिक अपनी जगह है और पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह, ये दोनों को ना मिलाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर भोपाल। भोपाल के लालपुरा स्टैंड पर गर्मी का बड़ा आलम है। प्रशासन नहीं दे रहा है सर, आने जाने वाली यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
भोपाल के हलालपुरा बस स्टैंड पर जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते चारों तरफ गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिल रहा है। हलालपुरा बस स्टैंड से इंदौर सहित अन्य शहरों के लिए बसें मिलती हैं, लेकिन चारों तरफ यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम प्रशासन यहाँ पर सफाई नहीं कर रहा है, इसके चलते पूरे हलालपुरा बस स्टैंड पर गंदगी देखने को मिल रही है, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ। ऐसे में नगर निगम प्रशासन की बात करें तो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, पूरी तरफ यहाँ आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अब देखने वाली बात होगी हलालपुरा बस स्टैंड की सफाई कब होती है। भोपाल एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। रवा बाजार के व्यापारी के साथ 2 लाख रुपए की लूट का प्रयास करने वाले आरोपी सफाई कर्मचारी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के सहयोगिता थाना क्षेत्र में दवा व्यापारी के साथ 2 लाख रुपए की लूट की घटना का प्रयास हुआ था, लेकिन वहां का सफाई कर्मचारी घटना को अंजाम देने वाला लिखना था, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी राहुल पंचवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी बहन की शादी में कर्जा लिया था। वह कर्जा चुकाने के लिए उन्हें लूट की योजना बनाई थी, लेकिन वह व्यापारी को लूट नहीं सका और चाकू मारकर फरार हो गया था, जिस आधार पर सीसीटीवी के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया है। आरोपी ने अपनी बहनों की शादी में लगाए गए कर्ज को चुकाने के लिए लूट की योजना बनाई थी, जहां उसने लूट की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, जिसके पहले ही पुलिस ने उसको 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे उससे पूछताछ कर रही है। इंदौर से रिपोर्टर अजय चेक। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर सक्रिय मोड पर। मौजूदा सरकार के 14 दिन पूरे होने पर वर्चुअल रैली की पटल से सरकार ने जनता तक पहुंचाई अपनी उपलब्धियां। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 14 दिन पूरे होने पर वर्चुअल रैली का आयोजन किया, जिसमें मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ सिंधिया समर्थक भी शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रैली की पटल से संबोधित करते हुए सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां को जनता के बीच रखा। इस वर्चुअल रैली में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ सिंधिया के समर्थक भी हुए शामिल। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। इंदौर में निगम के दुकानदार जो अब तक निगम का विरोध इस वजह से कर रहे थे कि निगम द्वारा किराए में बढ़ोतरी की जा रही है, वही दुकानदार अब निगम के किराएदार होने की वजह से राहत की सांस ले पा रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है। खास तौर पर व्यापारियों के लिए दोहरा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका व्यापार बंद रहने से जहां आमदनी नहीं हो पाई, वहीं दुकानों का किराया देना भी अब किसी चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इंदौर में नगर निगम ने अपने सभी दुकानदारों को राहत देते हुए 3 माह का किराया माफ कर दिया है। अब नगर निगम के मार्केट में दुकानें संचालित करने वालों को लॉकडाउन पीरियड का बकाया किराया जमा नहीं करना होगा। निगम आयुक्त का कहना है कि कोरोना की वजह से बिगड़ी आर्थिक स्थिति से लोग वैसे ही परेशान हैं, ऐसे में निगम अपने किराएदारों को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता है, इसलिए किराए में माफी दी गई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। चीन के साथ लगातार हो रही गहमागहमी के बीच इंदौर में भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम पत्र सौंपा। भारत और चीन के साथ तनाव के बीच तीनों सेनाओं के रिटायर्ड जवानों और अधिकारियों ने एक ऐसी पहल की है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सेना के जनरल ब्रिगेडियर और मेजर स्तर के समेत कई जवानों ने कहा है कि मौका दिया जाने पर ग्राउंड ड्यूटी करने के लिए भी तैयार हैं, जिसको लेकर आज सभी पूर्व सैनिकों ने इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर सांसद शंकर लालवानी को पत्र दिया और मांग की है कि उनके अनुभवों का भी जब कहीं जरूरत होगा तो देश के लिए वह सदा तैयार है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सभी रिटायर्ड अधिकारी और जवान द्वारा आज सांसद शंकर लालवानी से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ग्राउंड ड्यूटी करने के संदर्भ में पत्र दिया गया। वो मांग की है कि भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव को लेकर आज देश का हर नागरिक चाइना के प्रति रोष व्यक्त कर रहा है और चाइना को हराने में अपना योगदान देना चाहता है। भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का कहना है कि देश को अगर उनकी अनुभव की जरूरत पड़ती है तो वो तैयार है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले मुंगेली जिले में निजी अस्पताल संचालकों के द्वारा नर्सिंग होम एक्ट की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आशीर्वाद नामक निजी अस्पताल में यहां जिस डॉक्टर के नाम पर ओपीडी तक अस्पताल संचालन की अनुमति ली गई है, वह तो यहां रहते ही नहीं लेकिन इलाज से लेकर ऑपरेशन का काम जुगाड़ में चलता है। महीने भर पहले खुले इस अस्पताल में न कोई विशेषज्ञ
और न MBBS डॉक्टरों की टीम और न ही कोई सर्जन है। इसके बावजूद इस अस्पताल में धड़ल्ले से मोटे रकम लेकर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर यहाँ खुले आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर गोरख धंधा चल रहा है। ताजुब की बात तो ये है कि बगैर स्त्री रोग विशेषज्ञ के यहाँ प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ करते हुए जनरल सर्जन ही सर्जरी कर प्रसव करा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ जिला अस्पताल में पदस्थ सरकारी डॉक्टर ऑपरेशन करने आते हैं, जो कि नियम के विपरीत है। स्थिति यह है कि ना निजी अस्पताल वालों के पास लाइसेंस है और न ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम। इसके बावजूद आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए उनके जेबों पर डाका डाला जा रहा है। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। जांजगीर चांपा जिले में बेजा कब्जाधारियों की बाढ़ आ चुकी है। जांजगीर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम खोखरा में बेजा कब्जाधारियों की बाढ़ आ चुकी है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शासकीय भूमि में कब्जा कर लिया है और मकान तो कहीं दुकान बनाकर अपना हक जमा रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग शासकीय भूमि में कब्जा कर फर्जी तरीके से बेचने भी लगे हैं। आपको बता दें कि इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को भी है, मगर ना जाने क्यों जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में अपनी मौन स्वीकृति दिए हुए हैं। इसके चलते बेजा कब्जा का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अगर समय रहते अधिकारियों ने इसे नहीं रोका तो भविष्य में शासकीय भूमि से बेजा कब्जा हटाना अधिकारियों के लिए आसान नहीं होगा। जिस हिसाब से लोग शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। कोयले के व्यावसायिक खनन का किसान संगठन ने जताया विरोध। इस मामले में किसान संगठन के अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोयले को फिर से पैदा नहीं किया जा सकता, तो इसका उपयोग देश की जनता के लिए होना चाहिए, किसी के मुनाफे के लिए नहीं। यह देश को बेचने की कोशिश हो रही है। इससे जुड़ी तमाम चीजें हैं, बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन होगा और इसका मतलब है कि पर्यावरण को तहस नहस कर देना, वन्य प्राणी को खत्म कर देना। इतने बड़े संकट से लड़ने के लिए हम तैयार नहीं है, इसलिए आज यह आंदोलन चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी नीति को वापस लेने की घोषणा करे। किसान संगठनों की मांगे है कि झारखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी कोर्ट में आपत्ति दर्ज करे। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय संस्थानों के निजीकरण और शासकीय कर्मचारियों की छटनी किए जाने के विरोध में ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने जबलपुर में धरना दिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा जबलपुर में एक दिन ही धरना दिया गया। ट्रेड यूनियन के नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार लगातार शासकीय संस्थानों का निजीकरण कर रही है, उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंप रही है और सरकारी संपत्ति को बेच रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों की छटनी भी की जा रही है और नए पद नहीं बनाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ ट्रेड यूनियन लगातार आवाज उठाती रही है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार अपनी नीतियाँ नहीं बदलती। केंद्रीय कर्मचारियों और ट्रेड यूनियन के लगातार विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार अपनी नीतियों को बदलने के लिए राजी नहीं है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। रोपा लगा चुके किसान इन दिनों काफी चिंतित है, क्योंकि रोपा के बाद पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है, जो इस समय हो नहीं पा रहा है। दरअसल मानसून की आमद के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि बस्तर के किसानों की जरूरत पूरी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। किसान अब भी बादलों को ताक रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में पर्याप्त बारिश होगी और फसल की जरूरत पूरी हो जाएगी। अभी जितनी बारिश हो रही है उसमें कई इलाकों में रोपा लगाने का काम जारी है। इधर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा का कहना है कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ गया है, इसके चलते बारिश थमी हुई है। हालांकि चक्रीय चक्रवात के चलते हल्की बारिश कहीं कहीं दर्ज हो सकती है। अच्छी बारिश के लिए किसानों को 3-4 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। बोनी के 15 दिनों के बाद किसानों को बेहतर बारिश की जरूरत होती है, लेकिन इस समय कुछ दिनों के बाद ही बारिश का मौसम बना हुआ दिख रहा है। बस्तर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी। राजधानी रायपुर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। सांसद सुनील सोनी के PSO सहित एम्स के 4 कर्मचारी आए कोरोना पॉजिटिव। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी से जुड़ी रायपुर में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सांसद सुनील सोनी के PSO को कोरोना हो गया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा एम्स के 4 कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं, इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। बताया जा रहा है कि सांसद सुनील सोनी का PSO आज भी सांसद के साथ सामान्य दिनों की तरह घूम रहा था, जबकि सैंपलिंग 3 दिन पहले हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट आज सामने आई है।
ऐसे में अब सांसद सुनील सोनी को भी क्वारंटाइन होकर कोरोना सैंपल देना पड़ सकता है। बता दें कि सांसद सुनील सोनी बीते दिनों कई बैठकों में शामिल हुए थे, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके टेस्ट के साथ ही उनके संपर्क में आए हुए लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। अवसर परीक्षा असफल विद्यार्थी को दिलाएगी सफलता, बोर्ड में पास होने के लिए मिलेगा चार बार मौका। दरअसल बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। अवसर परीक्षा के तहत सफल होने के लिए चार बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इसमें जिन विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा नहीं दी है उनके साथ फेल और पूरक आए छात्र परीक्षा दे सकते हैं। इस बात की पुष्टि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने की है। अवसर परीक्षा में पास करने के लिए चार मौका दिया जाएगा। पहली परीक्षा जो अभी हुई है, दूसरी परीक्षा जो आगामी समय में पूरक परीक्षा होना है, और तीसरी परीक्षा जो आगामी सत्र में बोर्ड की परीक्षा और उसकी पूरक परीक्षा चौथी परीक्षा होगी। अगर आप 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा में असफल हैं तो आपको सफल होने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल चार बार अवसर दे रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्यराज। बड़वानी कलेक्टर अमित तोमर के निर्देशन पर माइनिंग व राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई, अवैध रेत से संग्रहित भंडारण को किया जब्त। राजस्व और माइनिंग विभाग द्वारा लगातार अवैध रेत के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज भी टीम के द्वारा ग्राम कल्याणपुर और चिपाखेड़ी में संग्रहित रेत के अवैध संग्रहण की सूचना पर टीम ने दबिश देकर अवैध रूप से संग्रहित की रेत को जब्त किया है, जिसे निर्माण एजेंसी को दिया जाएगा ताकि सरकार को राजस्व मिल सके। तहसीलदार राजेश पाटीदार के अनुसार क्षेत्र में अवैध रेत का लगातार परिवहन हो रहा है, साथ ही लोगों के द्वारा अवैध रेत के संग्रहण की सूचना भी मिल रही है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जिला प्रशासन अवैध रेत को लेकर समय समय पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसके बावजूद भी रेत माफिया बेखौफ रेत का कारोबार संचालित कर रहे हैं। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। बीना में तेजी से फैलता कोरोना का जाल, वीर सावरकर वार्ड में मिला कोरोना का 13वां मरीज। बीना में करीब 2 माह पहले गांधी वार्ड में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला था और उसके बाद गुप्ता गार्डन नौगांव में भी पॉजिटिव पाए गए, लेकिन भारत ओमन रिफाइनरी में शटडाउन में आए बाहरी कर्मचारियों ने प्रशासन को परेशानी में डाल दिया, जिसके बाद बीना में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की लाइन लगना शुरू हो गई और देखते ही देखते चंद दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच गई। कोरोना का यह 13वां मरीज बीना के वीर सावरकर वार्ड में मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए बीएमसी भर्ती करा दिया और एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह कोरोना संक्रमित कुछ दिनों पहले रीवा से बीना आया था। संक्रमित व्यक्ति से संपर्क करने वालों को होम क्वारंटाइन कर करीब 60 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि शहर में इस समय कोरोना मरीजों की संख्या 13 है, जिनमें 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। अगर लोग अभी भी सतर्क नहीं हुए तो ये कोरोना का जाल पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। बीना से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशफाक अंसारी। जिला अस्पताल की कार शैली पर सवाल, जहां 5 रुपए की ओपीडी पर्ची फ्री की, वहीं 10 रुपए स्टैंड से बसों में जा रहे हैं। खबर नरसिंहपुर से, जहां जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा 5 रुपए की ओपीडी फ्री कर बंद स्टैंड को चालू कर 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। साथ ही केशव स्मृति मंडल द्वारा मरीजों व उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन केंद्र को भी अपनी जगह से अलग कर बंद करवा दिया। साथ ही जिला अस्पताल परिसर में 3 सेट व कुर्सी की व्यवस्था न होने के चलते मरीजों के साथ आए परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनता से यही मांग है कि कोरोना महामारी के चलते स्टैंड को बंद कर निःशुल्क भोजन को पुनः चालू करना चाहिए। नरसिंहपुर से एक्सप्रेस रिपोर्ट चलंत बारी की रिपोर्ट। बारिश के शुरू होते ही फिलों से सांपों का निकलना शुरू हो गया है। हर साल कई लोग झाड़ फूक के चक्कर में अपनी जान गंवाते हैं। चार प्रकार के कोबरा, रसल वाइपर, स्कबवेल वाइपर, करेट, विशेष सांप पाए जाते हैं, जिसे काटने व त्वरित इलाज न मिलने पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की मौत होने की आशंका होती है। हर साल लगभग 50 से अधिक सर्पदंश की घटनाएं सामने आती है, जिसमें कुछ लोग जानकारी के अभाव में झाड़फूंक के चक्कर में तो कुछ घबराहट में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए जब भी किसी को सर्पदंश हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौसर ले जाकर उसका इलाज कराना चाहिए। नगर पालिका और जिम्मेदार वन विभाग में भी सर्प मित्र की नियुक्ति होना चाहिए, ताकि सांपों को पकड़कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ सके और उनकी रक्षा हो। फिलहाल अपने रिस्क पर नगर में सर्पमित अपनी जान हथेली पर रखकर सर्प रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, किंतु शासन की ओर से उन्हें किसी प्रकार की सुविधा न होने से उनका भी इस काम से मोहभंग होते नजर आता है। लोग कब तक जागरूक होते हैं और सांप के काटने के बाद कैसा इलाज कराते हैं, यह विचार नहीं है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। एक ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। काम कर रहे मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण से काम कर रहे थे। सीएसबी के द्वारा कराया जा रहा काम को ठेके पर दिया गया है, जहां करेंट की चपेट में आने से एक की मौत हो गई, 4 घायल हैं।
35 फीट तार की चपेट में आने से एक की मौत हो गई, वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रजगवान मुख्य मार्ग की है, जहां मृतक 25 वर्षीय सुरेश आयम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूरज अघरिया, चरण सिंह गोड़, सिंह नारायण धर्म सिंह घायल हो गए। सभी को पिकअप वाहन में तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक और घायल कटघोरा के बिंधिया के रहने वाले हैं। सेफ विभाग का काम चल रहा है, जहां ठेके पर एक निजी कंपनी को दिया गया है। ठेकेदार के अंडर में चल रहा था काम, जिसके बाद एक दर्जन से अधिक लोग काम कर रहे थे। 33 केवी लाइन खींचते समय अचानक करंट लगने से एक दुर्घटना घटी है। फिलहाल घटना की सूचना पर पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना रजामार चौकी क्षेत्र अंतर्गत नाला के पास हुआ, जहां 30 केवी लाइन का काम चल रहा था। इस दौरान एक घटना घटी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की। पूर्वा से रिपोर्टर मनोज यादव। ढाई महीने से लापता युवक की लाश गांव के समीप एक खेत में मिली। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामला पत्थरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बिलडेगी की है। घटना के मुताबिक मनोज भगत पिछले 16 अप्रैल से लापता था। इसके परिजन पत्थरगांव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए थे। इधर दो दिन पहले इसकी लाश गांव के समीप एक खेत में मिली, जिसे जमीन में दफनाया गया था। पुलिस जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि इसकी पत्नी कुसुम भगत हत्या की आरोपी है। शराब के नशे में मनोज भगत अपनी पत्नी के साथ हमेशा झगड़ा करता था। इस कारण पत्नी ने हमेशा के लिए उसे दुनिया से विदा कर दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पत्थरगांव थाना प्रभारी संतलाल आयाम ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पत्थरगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज अंबस। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को हुए कक्ष आवंटित। शिवराज सरकार के जम्मू मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद मंत्रियों को कक्ष आवंटित हो गए हैं, लेकिन विभागों पर अभी मंथन जारी है, क्योंकि सिंधिया समर्थक और भाजपा के लोग मनपसंद विभाग मांग रहे हैं। उसी के चलते कहीं न कहीं विभागों के बंटवारे में अभी पेच फंसा हुआ है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि देर शाम तक या रात तक विभाग के बंटवारे में सहमति बन जाएगी और मंत्रियों को विभाग आवंटित हो जाएंगे। नवोदित मंत्रियों को कक्ष को आवंटित हो गए हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे में मंथन जारी है। देखना यह होगा कि इन मंत्रियों को विभाग कब मिलते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान। पहली बारिश में ही नगर परिषद ओबेदुल्लगन की सफाई व्यवस्था की खोली खोल। जगह जगह नालियां भरी पड़ी हैं। कई कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति कोई निर्मित। ओबेदुल्लगन सफाई व्यवस्था हुई अस्त व्यस्त। बारिश के मौसम में मुख्य मार्ग सहित नगर के तमाम वार्डो में नालियां चौक, जगह जगह लगे कचरे के ढेर लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं, जिससे नगर में मच्छर मक्खियों की भरमार है। वहीं समय सीमा में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न होने से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। नगर के जिम्मेदार नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के कहने के बाद भी नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी लोग सुनवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद भी नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी बने हुए हैं मूक दर्शक। अब देखना ये होगा कि ये सफाई व्यवस्था कब होती है पूरी। मंडीदीप से एक्सप्रेस रिपोर्टर उपेंद्र मालवीय। वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद की लापरवाही, कॉलोनी वासी हो रहे परेशान, नहीं दे रही नगर पालिका भी ध्यान। शहर के कॉलोनी त्रिमूर्ति नगर के पार्षद पति की लापरवाही से कॉलोनी वासी परेशान है। नालों की सफाई नहीं होने, पानी की निकासी की समस्या का पार्षद नगर पालिका में शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं हो रहा है। कल रात हुई बारिश में पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई, साथ ही नालों की गंदगी सड़कों पर फैल गई। या तो पार्षद चाहते नहीं कि कॉलोनी की इस गंभीर समस्या का कोई हल हो, या फिर बारिश के मौसम में बीमारी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद स्थानीय पार्षद अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या पहले की तरह ही लापरवाही करते नजर आएंगे। हादसे एक्सप्रेस रिपोर्टर कपिल तिवारी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी।